Hello dear students, welcome to wifistudy JEE, a part of Unacademy. और मॉर्निंग मंत्रा की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है. और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट मॉर्निंग मंत्रा में मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन, और इस मॉर्निंग मंत्रा में मैं आपको बताने वाला हूँ SN2 रिएक्शन के बारे में. SN2 रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. क्या होती है SN2 रिएक्शन ये जानते हैं आज के सेशन के अंदर. तो SN2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. SN2 रिएक्शन क्या होती है इस बारे में हम जानेंगे. SN2 रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन को कहते हैं. जो कल मैंने करवाया था SN1 रिएक्शन वो था आपका यूनिमोलिकुलर. ये क्या होती है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है. बाई मोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है. ये रिएक्शन के लिए मैं बता दूं आपको, ये स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है. सिंगल स्टेप रिएक्शन है. रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप जो कि आपका क्या है, हैलोजन, एंड एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एक साथ होते हैं, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. एक साथ होते हैं दोनों के दोनों स्टेप. जब ये दोनों स्टेप एक साथ होते हैं तो यहां पर पेंट्रावेलेंट इंटरमीडिएट फॉर्म होती है. क्या होती है? पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट विल फॉर्म. और इसमें जब कार्ब कैटायन फॉर्म ही नहीं हो रहा तो रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, जबकि वहां पर क्या होता था? रीअरेंजमेंट पॉसिबल था. रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होता है. ये मोटी मोटी सी बातें हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं होता है, और अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहां पर इन्वर्जन विल टेक प्लेस. कैसे होती है रिएक्शन इसकी बात करते हैं. अगर अच्छा ये एक साथ हो रहा है तो एक पॉइंट और बन जाता है. ये जब हो रहा है तो स्ट्रिक हिंड्रेंस जो है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 विल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रिक हिंड्रेंस. स्ट्रिक हिंड्रेंस अगर स्ट्रिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 विल बी लेसर. राइट, होप आपको ये समझ में आया होगा. तो एग्जांपल लेते हैं. स्ट्रिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए तो यहाँ पे अगर हम कंपाउंड ले लेते हैं CH3Cl, सेकंड कंपाउंड लेते हैं CH3CH3CCl, इट विल बी दिस CH3CH3CCl. अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा, इस कंपाउंड को, न्यूक्लियोफाइल हमने काम में लिया है. क्या काम में लिया है? न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप काम में ले रहे हैं. OH काम OH माइनस, ठीक है. ये ब्रेक यहाँ से होगा, यहाँ से ब्रेक होगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्रेक होगी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, नहीं फॉर्म होगा. यहाँ पे ब्रेक इसका होना और इसका यहाँ पे अटैक करना एक साथ होगा. अच्छा, ये अटैक कहाँ से करेगा? अपोजिट साइड से. क्यों? जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल हमने ले लिया CH और यहाँ पर Cl अटैच्ड है. तो OH जब इस साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. ये क्या है? sp3 कार्बन है, sp2 नहीं है, प्लेनर नहीं है पहली बात. तो ये क्या हो रहा है? Cl पे जब ये अटैक करेगा, इस कार्बन पे जब अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? डेल नेगेटिव, यहाँ क्या आ रहा है? डेल पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? इस डायरेक्शन से, बैक साइड से अटैक करेगा. कहाँ से करेगा? बैक साइड से करता है. जिस जगह पे लिविंग ग्रुप होता है उसके ठीक अपोजिट साइड से ये अटैक करेगा. अब जब ये अपोजिट करेगा तो यहाँ पे जो ग्रुप अगर ये बल्की होंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो SN2 रिएक्शन जो होती है उसकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होगी? स्ट्रिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए. 1, 2, 3 के अंदर स्ट्रिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगी, देन 2, देन 1. तो 1 डिग्री में स्ट्रिक हिंड्रेंस कम होती है तो इसमें सबसे अच्छे से रिएक्शन होती है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. तो 1 डिग्री में रिएक्शन सबसे अच्छे से होती है. कैसे बनता है पेंटावेलेंट स्पेशी? एच एच एच
यहाँ पर बच्चों क्या आएगा OH और यहाँ पर Cl है। अब क्या होगा Cl रिमूव होगा और ये यहाँ पर ऐड होगा, ये बनती है आपकी पेंटावेलेंट स्पेशी। क्या बनती है ये पेंटावेलेंट स्पेशी, यहाँ पर फॉर्म ये हो जाती है। तो ये रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन। मैं रिवाइज करवा देता हूँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन एक ही बार में होती है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, हैलोजन जो है वो एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होते हैं, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगी, रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। स्ट्रिक हिंड्रेंस पर ये डिपेंड करती है, स्ट्रिक हिंड्रेंस क्या है यहाँ पे डिपेंड करती है, और दो मॉलिक्यूल इसमें क्या हो जाते हैं आपके कंबाइंड हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बायो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम कहते हैं। SN2 रिएक्शंस के क्वेश्चंस आपको आपकी NCERT में मिल जाएंगे, कोई रेफरेंस बुक अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ भी मिल जाएंगे, मॉरिसन बाइड अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक्सपर्ट एडवाइस यही रहती है कि आपको इसके ऊपर कम से कम 20-30-40 क्वेश्चंस करने चाहिए, और अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाती है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, SN1 भी उनके लिए होती है, SN2 भी उनके लिए होती है, और इसको अगर आप ठीक से कर लेंगे तो आप अपने बहुत सारे मार्क्स अपनी मेन एग्जाम में IIT के एग्जाम में सिक्योर कर पाएंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने 6 महीने के लिए आप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए। उसके लिए Vivek10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करके आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।